₹700 पर केजी, पांच पार्ट का आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, और जो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस बनाना है वो बनाना है ₹690। बस यही बात पे हम गए, कितना आ गया, 10 एलिगेशन आप सब लोगों ने पढ़ रखा है। मैंने पहले ही बताया है कि सारे क्वेश्चन मिक्स टाइप के होंगे, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये वैल्यू इससे कम होगी, यानी क्या हो जाएगा, ₹688 पर केजी। पहले के था और उसका 6 नंबर बढ़ गया। मोहन प्लस अंजलि का जो स्कोर था वो कितना था, 12K था, ध्यान से समझिए कैसे आया। इनिशियल स्कोर कितना था, 78, और तीनों की वैल्यू 6 6 6 बढ़ी, तो 18 इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 96। यूनिट की वैल्यू 4 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, 32। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। जो मेंस की एक हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे वो आपका है रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन। क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं इन सबके क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके मिक्स करके आते हैं, तो आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो इन्हीं सारे चैप्टर्स से रिलेटेड देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। आज की क्लास में जो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो सेशन है वो सारे के सारे मेंस वाले बच्चों के लिए है, इसके अलावा जिनको इस साल कैट का अटेम्प्ट देना है उनके लिए है। मैक्सिमम क्वेश्चन या तो हम कैट लेवल का कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर जो मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का लेवल नियर बाई सेम होता है। तो आज की क्लास जो होगी वो रेशियो से रिलेटेड होगी, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या दिया हुआ, अ पर्सन बाई ए टी ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटीज एट 800, 500, 300 पर केजी। यानी एक पर्सन है वो 3 तरह की चाय पत्ती खरीदता है, ₹800, ₹500 और ₹300 पर केजी रिस्पेक्टिवली, एंड द अमाउंट्स बॉट आर इन द प्रोपोर्शन 2:3:5। यानी दो क्वांटिटी ये होगी तो 3 क्वांटिटी ये होगी तो 5 क्वांटिटी ये होगी। देखिए इस यहां पे बोला हुआ अमाउंट, अब आप बताइए अगर रेट फिक्स है तो जिस रेशियो में अमाउंट होगा उसी रेशियो में कहीं ना कहीं क्या होगी, आपकी क्वांटिटी भी होगी। तो यहां पे कह रहा है कि जो आपका अमाउंट्स बॉट इन द प्रोपोर्शन 2:3:5, सी मिक्सेज ऑल द टी एंड सेल्स 1/6 ऑफ द मिक्सचर एट 700 पर केजी। यानी जो भी उसने मिक्सचर बनाया उसमें से 1/6 को उसने बेच दिया ₹700 पर केजी पे। द प्राइस ऑफ इनिशियल पर केजी एट विच सी स्टूड सेल द रिमेनिंग ट्यू टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। यानी ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो वो 50% का हो। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका कैट 2021 का आया हुआ है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से फिर पढ़ें और चीजों को समझने की कोशिश करें। मैंने पहले बताया है कि इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड करेंगे, क्लियर। दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ के डरना नहीं है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना और देखना कि कैसे आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, उसके पास 3 तरह की चीजें हैं, एक का जो रेट है वो ₹800 है, दूसरे का 500 है, और तीसरे का जो है वो रेट क्या है आपका 300 है। पहली चीज तो ये है, इनके जो क्वांटिटी है जो प्राइस है ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और ये क्या है 5 यूनिट है। तो सबसे पहले जब हम इनको मिक्स करेंगे तो हम मिक्सचर की प्राइस बना लेते हैं। तो आप बताइए ₹800 है और 2 क्वांटिटी है, यानी कितना हो गया आपका 1600, यहाँ पे कितना हो गया 1500। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोग ऑलरेडी रेशियो में भी और एवरेज में भी पढ़े होंगे, कितना हो गया 1500 ओवर 2, 3, 5, 5, 10। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 15, 15, 30, 10, 40, 46, यानी ये आ जाएगा आपका ₹460 पर केजी, कहीं ना कहीं ये मिक्सचर की प्राइस आ जाएगा, क्लियर। यानी उस बंदे जो जो मिक्सचर खरीदा होगा वो क्या बना, या सॉरी उस बंदे ने जो मिक्सचर बनाया होगा इन सबको मिक्स करके वो आपका बन जाएगा ₹460 पर केजी, क्लियर है।
इसको जो सोल्ड आउट करना है वो कहीं ना कहीं उसको करना है 50% के प्रॉफिट पे। इसको जो सोल्ड आउट करना है वो कितने पे करना है आपका, 50% के प्रॉफिट पे उसको सोल्ड आउट करना है। क्लियर? अब एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि इसमें से 1/6 को वो 700 रुपए पे बेच दे रहा है। 1/6 को किस रेट पे बेच रहा है, वो 700 रुपए पर केजी पे बेच रहा है। कह रहा है रिमेनिंग को वो किस रेट पे बेचे कि ओवरऑल 50% का प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या होगी आपसे कि आप लगेंगे 1/6 निकालने, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओवरऑल उसको कितने का प्रॉफिट हो, 50% का प्रॉफिट हो, यानी 460 की चीज पे अगर 50% का प्रॉफिट होगा तो ये जाएगा कितने में भाई, 690 रुपए में, क्योंकि 460 का 50% कितना हो जाएगा, 230, और 460 में अगर मैं 230 को ऐड करूंगा तो 690, यानी जो मुझे ओवरऑल सेलिंग प्राइस मेरा बना वो क्या बना, 690। बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म है। वो कह रहा 1/6 यानी एक पार्ट जो है वो है सेलिंग प्राइस 700 रुपए पर केजी, पांच पार्ट का आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, और जो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस बनाना है वो बनाना है 690। बस यही बात समझनी थी, जिसने समझ लिया उसके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और जिसने नहीं समझा वो इसका 1/6 करते रहेंगे और सारा का सारा टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम गए कितना आ गया, 10 एलिगेशन आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, मैंने पहले ही बताया है कि सारे क्वेश्चन मिक्स टाइप के होंगे, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये वैल्यू इससे कम होगी, यानी क्या हो जाएगा 688 रुपीज पर केजी। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको पहले अच्छी तरह से पढ़ना था फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। करा मिक्सचर कंटेंट्स लेमन जूस एंड सुगर सिरप इन इक्वल प्रपोर्शन, यानी एक मिक्सचर है जिसमें लेमन जूस एंड सुगर सिरप इज इन इक्वल प्रपोर्शन, यानी एक मिक्सचर है जिसमें लेमन और सुगर दोनों क्या है भाई, सेम रेशियो में है, यानी 1:1 में। इधर हो गया लेमन एंड सुगर, और ये हमारे पास क्या है आपका, मिक्सचर है। क्लियर? If a new mixture is created by adding this mixture, यानी एक नया mixture बनाया जा रहा है, a new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup, यानी पूरा का पूरा क्या है आपका, sugar syrup in 1:3, यानी इसका एक यूनिट मिलाया जा रहा है और इसका कितना यूनिट मिलाया जा रहा है, 3 यूनिट। क्लियर? एक यूनिट और 3 यूनिट। Then the ratio of lemon juice and sugar syrup in the new mixture, यानी ये जो नया वाला बना है इसमें आपको बताना है ratio of lemon and sugar का। Clear? Question I hope आप लोग को अब तक समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि दो चीजें दी गई हैं और इनको मिक्स करके तीसरी चीज बनानी है। क्लियर? इसको सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, देखिए अगर ये नया ये रेशियो दिया होता तब हम इसको एलिगेशन से सॉल्व कर देते कि इनको किस रेशियो में मिलाया गया। आपको क्या दिया गया है कि ये इस रेशियो में मिक्स हुए हैं, तो नया रेशियो क्या होगा। तो रेशियो में आपको पता हो कि दो या दो से ज्यादा चीजों को जब आपस में मिक्स करना हो तो उनकी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। यानी पहले में अगर मैं बनाऊं लेमन और शुगर का रेशियो फर्स्ट वाले में तो क्या है, 1:1। क्लियर? अगर मैं सेकेंड वाले में बात करूं तो ये वाला जो है, तो इसमें तो लेमन है ही नहीं और सुगर कितना है, इसमें पूरा का पूरा सुगर है, यानी यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 0:1। आप सब लोग को पता है कि जिनको भी मिक्स करना होता है उनकी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, पहले सेम करते हैं। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 2 है और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, 2 से। पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि ये मिलाए जा रहे हैं 1:3 में, यानी इसका एक पार्ट यूज हो रहा है और इसका 3 पार्ट यूज हो रहा है। क्लियर? दे आर मिक्स इन द रेशियो 1:3, तो इसका एक पार्ट और इसका 3 पार्ट, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से करेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, और 2:3 जहां 6 से करेंगे तो ये 0 और 6। फाइनली आप सबको पता है कि लेमन के साथ लेमन ऐड होगा
और सुगर के साथ सुगर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 1:7। आपसे पूछा क्या गया, लेमन जूस एंड सुगर सिरप, तो लेमन जूस एंड सुगर सिरप का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:7। मैंने पहले बताया था कि जब तक आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उसके बेहतरीन सोल्यूशन पे नहीं जा सकते। अब देखिए ये भी क्वेश्चन किसका था भाई, कैट 2022 का था, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। बस होता क्या है कि लैंग्वेज को आपको समझना होता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टाइप का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं, करा अरुण बॉट सम पेंसिल एंड शार्पनर स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज अरुण, आदित्य बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल एंड 10 लेस शार्पनर, इफ द कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज 2 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल बॉट बाय अरुण एंड आदित्य टूगेदर। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना है और बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक बंदा अरुण है, सम पेंसिल एंड शार्पनर, यानी यहां पे मैंने ले लिया पेंसिल और ये ले लिया मैंने शार्पनर, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट पेंसिल शार्पनर, यहां पे मैंने ले लिया अमाउंट ऑफ मनी एज अरुण, यानी पहला बंदा जो है वो अरुण है, दूसरा बंदा क्या है आदित्य है। आदित्य बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल, आदित्य ने इससे डबल पेंसिल खरीदे, यानी अगर ये एक्स खरीदेगा तो ये कितना खरीदेगा भाई, 2x, क्लियर। आदित्य बट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल एंड 10 लेस शार्पनर, यानी अगर ये वाई खरीदेगा तो ये वाई माइनस 10 खरीदेगा। यहां तक सबको बात समझ, यहां तक अभी मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया। दो बंदे हैं, एक अरुण है और एक आदित्य है, अरुण ने कितने पेंसिल खरीदे होंगे अगर एक्स, तो आदित्य इसे क्या खरीदेगा, डबल, यानी कितना हो गया 2x। अरुण ने अगर वाई पेंसिल खरीदे होंगे तो आदित्य कितना करेगा, वाई माइनस 10। आगे क्या कर रहा है, If the cost of one sharpener is 2 more than the cost of a pencil, यानी अगर मैं cost की बात करूं यहां पे ऊपर कर दूं, तो अब देखिए ये तो x और y already variable हमने लेट कर लिया, तो अलग से variable लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो sharpener का price है वो 2 रुपये ज्यादा है pencil से, तो अगर मैं pencil के price को k मानूं, तो जो sharpener होगा वो कितना हो जाएगा, k+2। यहां तक तो हो गई आपकी बेसिक चीजें कि किसने कितना पेंसिल खरीदा, किसने कितना शार्पनर खरीदा और दोनों का प्राइस क्या है। अब क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा हिंट दिया गया वो ये दिया गया है कि दोनों के सेम अमाउंट खर्च हो रहे हैं, तो पहले हमें अमाउंट बनाना होगा। तो आप बताइए कि आप मार्केट में गए, एक्स पेंसिल खरीदे और एक पेंसिल का प्राइस के रुपीज है, इसको ऐसे समझिए कि आप 5 पेंसिल खरीद के लाए, एक पेंसिल 4 रुपए का, तो टोटल पेंसिल पे आपका खर्च कितना हो जाएगा, 20। ये 20 कैसे आ रहा है, तो 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही k को x से अगर मैं करूंगा तो ये जो पैसे खर्च करेगा वो कितना करेगा आपका k, ये विजिबल नहीं देख सका, यहां पे अपना अमाउंट बना था, यानी इसका कितना बन जाएगा आपका k एक्स प्लस के वाई प्लस 2y। ये जो अमाउंट खर्च होगा वो किसका खर्च हो जाएगा आपका, अरुण का। अगर मैं आदित्य की बात करूं अमाउंट का, तो आदित्य का जो अमाउंट खर्च होगा वो 2, यानी यहां पे बन जाएगा आपका k इंटू, यानी ये बन जाएगा 2kx, और यहां से इसको करेंगे तो प्लस के वाई माइनस 10k प्लस 2y माइनस 20। यहां तक सबको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद से जो क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के जो खर्च किए हुए अमाउंट हैं वो क्या है आपके, इक्वल है, यानी ये दोनों अमाउंट अगर इक्वल होंगे, अगर मैं इनको इक्वेट करूं तो आप देखिए क्या होगा। सबसे पहले ky से ky कैंसल, 2y से 2y कैंसल, यानी हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, kx इक्वल टू 2kx माइनस 10k माइनस 20। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करूं मैं तो kx माइनस 10k इक्वल टू होगा आपका क्या, 20। और अगर मैं k को कॉमन ले लूं तो k इक्वल टू बनेगा मेरे पास 20/x-10, यानी जो k की वैल्यू है वो आएगी 20 माइनस x बाई 10।
क्लियर, यहां तक सबको बात समझ में आ रही होगी। अब क्या कह रहा है, देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल बॉट बाय अरुण एंड आदित्य टूगेदर, तो दोनों के अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो कितना होगा आपका भाई 3x, अगर मैं पेंसिल की बात करूं तो क्या होगा आपका 3x, यानी दोनों मिलके जो पेंसिल परचेज करेंगे वो क्या करेंगे 3x। तो आपका जो आंसर, अब देखिए यहां पर क्लियर लिखा हुआ मिनिमम पॉसिबल, यानी आपको पॉसिबिलिटी चेक करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। तो अब हम देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए अगर 3x की वैल्यू 30 होती है, यहां से 3x की वैल्यू अगर 30 होती है तो x की वैल्यू क्या होगी भाई 10, और 10 माइनस 10 क्या हो गया 0, यानी k की वैल्यू तो फाइंड आउट ही नहीं होगी, यानी कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रही, क्योंकि अपने पास मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल 3x, 3x की वैल्यू अगर 30 होगी तो x की वैल्यू 10, और 10 माइनस 10 यहाँ पे क्या हो गया 0, यानी ये तो कहीं और चला गया, यानी ये पॉसिबल नहीं है। 27 भी इसी बेस पे पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, कि 3x की वैल्यू अगर 27 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और 9 माइनस 10 ये किसमें चला जाएगा माइनस में, यहां से भी k नहीं निकलेगा। अब आपके पास चॉइस क्या बच गई, एक आपकी 33 की और एक 36 की, चेक करते हैं। अगर 3x की वैल्यू 33 तो x की वैल्यू 11, 11 माइनस 10 दैट इज 1, तो k की वैल्यू क्या होगी 20, यानी अपने पास अगर मैं इस ऑप्शन के थ्रू जाता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू है 11, क्लियर, और k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 20, क्लियर है। देखिए कैसे 3x इक्वल टू 33, तो x इक्वल टू 11, 11 माइनस 10 1, तो k की वैल्यू 20 बाई 1, यानी क्या हो गया आपका 20। तो अपने पास k की वैल्यू 20, अब इस पे हम क्रॉस चेक करते हैं। तो अब देखिए जो दोनों का अमाउंट है, आप ऐसे भी जा सकते थे, जैसे x की वैल्यू आगे चलिए यहीं से कर लेते हैं। अब दोनों का अमाउंट सेम रखना है, तो एक बंदे का जो अमाउंट था वो ये बना था और एक का अमाउंट ये बना था। अब मुझे k की वैल्यू ध्यान रखिए, k की वैल्यू मेरे पास आई है 20 और x की वैल्यू 11, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 20 इंटू 11 यानी हो गया 220 प्लस ky, k की वैल्यू मेरे पास फिर से कितनी है भाई 20y प्लस 2y, ये हो गया मेरा पहला वाला अमाउंट, क्लियर। ये वाला अमाउंट इस पे आते हैं तो ये क्या कह रहा है भाई 2kx, क्लियर। तो 2kx की अगर मैं बात करूं तो k की वैल्यू मेरे पास है 20, x की वैल्यू 11, तो यहां पे 11 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220, और उसका डबल करूंगा तो क्या आएगा 440 पहले। फिर कह रहा है ये आपका ky, तो k की वैल्यू 20 और y, यानी और यहां पे भी है y, देखिए इन दोनों को देखिए, तो यहां पे k की वैल्यू 20 प्लस 2y यानी कितना आ गया आपका 22y, क्लियर। इसके अलावा क्या कह रहा है 10k, अगर मैं 10k की बात करूं तो k की जो वैल्यू है वो आपने कितनी निकाली है भाई 20 इंटू 10k यानी 200 माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा भाई माइनस 220, ये हो गया इसकी बात। अब आप ध्यान से देखिए तो ये वाली वैल्यू क्या है 220 प्लस 22y, और ये वैल्यू 440 में से 220 गया, कितना हो गया 220 प्लस 22y, दोनों में 22y भी है और दोनों में 220 भी है, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 33। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो आपका 2020 में पूछा गया था, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हुए, ये भी मैंने बताया। क्वेश्चन को एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ना समझ में आए फिर से वीडियो को दोबारा देखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। करा इन एन एग्जामिनेशन रमा स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि। करा किसी एग्जाम में जो रमा का स्कोर था वो क्या था भाई 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि, यानी एक हो गई रमा, मोहन एंड अंजलि, ठीक है।
आफ्टर द रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6। मतलब जब पोस्ट रिव्यू हो, कई बार होता है जब आप पेपर दे देते हैं उसमें मार्क्स आपको कम लगते हैं, तो आप कहीं ना कहीं रीचेकिंग के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो कह रहा आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6, यानी जब रिव्यू किया गया तो सबकी वैल्यू क्या हो गई, 6-6 बढ़ गई। द रिवाइज स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रमा, अंजलि, मोहन एंड रमा, ये इनका रिवाइज स्कोर है, मतलब रीचेक के बाद, कब, जब इन सबके 6-6 नंबर बढ़ गए। क्लियर। स्टार्टिंग में जो कहानी दिया गया है उसमें क्या दिया हुआ है कि रमा स्कोर वाज 1/12 ऑफ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि, यानी इन दोनों का अगर सम 12 यूनिट होगा तो रमा का जो सम होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट होगा। क्लियर। चलिए इसके अलावा क्या कह रहा है, ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सबकी वैल्यू 6-6 बढ़ी, तो ये रेशियो दिया गया है, तो रेशियो कहीं ना कहीं आपस में रिलेट होता। अब आपके मन में कंफ्यूजन क्या आएगा कि क्वेश्चन में यहां इनका कंबाइन दिया और यहां अलग अलग दिया, तो भाई कोई बात नहीं, कंबाइन कर लो, मुझे 10 यूनिट मिले, आपको 11 यूनिट मिले, यानी हम दोनों को मिलकर कितने मिले, 21 यूनिट। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, तो ये रेशियो तो इसके साथ क्लब हो जाएगा। तो अगर रमा का स्कोर पहले के था और उसका 6 नंबर बढ़ गया, मोहन प्लस अंजलि का जो स्कोर था वो कितना था, 12K था, ध्यान से समझिएगा, और इनके कितने बढ़ गए, 6 और 6 12, तो फाइनल जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा, 3 और 10 और 11 कितना हो गया, 21। बस ये एक छोटी सी बात समझ थी, एकदम रेशियो का बेसिक्स क्वेश्चन है, बस आप जो हम्बल होंगे वो कहाँ होंगे, सिर्फ यहाँ पे होंगे। और ये क्लियर कब होगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। क्लियर। चलिए यहां से अगर करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स में कट जाएगा, 7K 12K क्या आ गया आपका, 5K 42 12 यानी 30। K की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई, 6। K की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 6। K मतलब यही था, K और ये 12K, 6 का मतलब इसके जो स्कोर थे वो 6 थे, और इन दोनों का इंडिविजुअल मुझे नहीं पता, बट दोनों का क्लब जो था वो क्या था, 72 था। ठीक है, अब देखिए फिर आगे जाना है, फिर थोड़ा सा होशियारी करना पड़ेगा, अभी भी आप इनके इंडिविजुअल पे नहीं जा सकते यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इनिशियल लेवल पे इनका जो स्कोर था वो कितना था, 78, और सबकी वैल्यू 6-6-6 बढ़ी, तो जो टोटल वैल्यू बढ़ेगी वो कितनी बढ़ जाएगी, 18। इसमें 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96, यानी जो फाइनल इनका स्कोर बनेगा वो कितना बनेगा, 96 कैसे आया, इनिशियल स्कोर कितना था, 78, और तीनों की वैल्यू 6-6-6 बढ़ी, तो 18 इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 96, और इस 96 का रेशियो आपके पास गिवन है। 11 और 10 कितने हो गए भाई, 21, 21 और 3 24, 24 यूनिट की वैल्यू 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। आपसे पूछा क्या गया है, अंजलि स्कोर एक्सीड द रमा स्कोर, तो 11 3 से कितना ज्यादा है भाई, 8 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, 32। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, करा द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्ट सॉल्यूशन इज P% If 100 ml of the solution contains P grams of salt, each of the three vessel A, B, C contains 5 ml salt, strength 10-30%. Now 100 ml of the solution in vessel A is transferred to vessel B, then 100 ml of B transferred to C, finally इतना ml of the C is deficient out. ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए जरा सब लोग। चलिए एक बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार बड़े सारे स्टेप का क्वेश्चन है, कि मतलब इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या क्वांटिटी एज्यूम करें, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन मैंने पहले बताया कि हमेशा आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको सॉल्व करने का बेस्ट वे ढूंढना है। देखिए मैं क्वेश्चन का बेस्ट वे अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी और बड़े बेहतरीन रास्ते मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यहाँ पे मैंने देखिए क्या करना है,
ए बी सी अलग अलग है, सब में कितना देखिए ध्यान से, तो ए में जो कंसंट्रेशन है वो कितना है भाई 10%, बी का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 22%, यहीं पे आपको मैं रोकता हूं, और सी का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है 32%। कर क्या रहा है, ए से बी में ट्रांसफर कर रहा है कितना 100 ml, क्लियर। और सबके स्टार्टिंग कितने हैं 500 500 500। तो अब आपको ध्यान से देखना है कि जब मैं क्वेश्चन को शुरू करूंगा तो जब मैं ए का 100 ml बी के 500 ml में मिक्स करूंगा, देखिए कितना आसान है अगर आप सोच सकते हैं, तो ये 100 ml और ये 500 ml, अब आप खुद बताइए कि ए का 100 ml जब बी के 500 ml के साथ मिक्स होगा तो इन दोनों का कंबाइंड कंसंट्रेशन कितना होगा जो बी में चला गया। क्वेश्चन समझ में आ रही, जैसे तीन चीजें, ए से कहां गए हम बी पे, बी से कहां जा रहे हैं सी पे, और फिर सी से कहां आ रहे हैं वापस हम लोग ए पे, क्लियर। तो आपको कैसे देखना, देखो ए का जैसे मान लीजिए एक ग्लास में 500 ml है, इससे मैंने 100 ml अगर मैंने बी में डाला तो ए का यूज कितना होगा 100 ml, उसमें कंसंट्रेशन 10%, बी का यूज कितना होगा 500 ml और इसका कंसंट्रेशन 22%। आप सब लोगों को पता होगा इसको सॉल्व करने का तरीका, एवरेज का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है 1 × 10। ऐसे भी समझ लीजिए कि आपने 100 रुपए लगाए 10% पे, 500 रुपए लगाए 22% पे, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप क्या करते हैं जो वैल्यू होता है काउंटिंग उसको मिनिमाइज करते हैं, एवरेज में भी आपने पढ़ा है परसेंटेज में पढ़ा, 2% को क्या करना है ये क्लब करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 100 का 10% 1 × 10 10 प्लस 5 × 22 110 ओवर 5 और 1 6 120/6 यानी कितना आ गया 20%, क्लियर। यानी जब ए का 100 ml बी में डाला गया उस केस में बी का जो कंसंट्रेशन अब आ चुका है वो कितना आ चुका है 20%। अब फिर बी से 100 ml किस में मिलाया जा रहा है भाई सी में, सी का कंसंट्रेशन कितना था 32%, बी का कितना यूज होगा आपको पता है 100 ml ही यूज किया जा रहा है यानी 100 ml, और सी का पूरा कितना था 500। फिर इसको मैं मिनिमाइज करूंगा 1 × 20 डेट इज 20, 32 × 5 = 160 / 6 180/6 यानी कितना आ गया आपका 30%, क्लियर। यानी जब सी में बी का 100 ml मिक्स किया गया उस कंडीशन में सी में जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा 30%। अब क्या हो रहा है, सी का 100 ml कौन सी कंसंट्रेशन वाला 30% वाला, ए के 500 ml के साथ क्या किया जाएगा आपका मिक्स किया जाएगा, क्या पूछा गया टू वेसल ए, द स्टेंट इन परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इन वेसल ए इफ 100 आप सॉरी यहां पे 400 आ जाएगा, 500 नहीं, देखिए 400 क्यों आएगा ये ध्यान देना, क्योंकि हमने क्या किया है सबके वॉल्यूम शुरू में क्या था, ईच ऑफ थ्री वेसल ए बी सी कंटेन्स 500 ml ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, तो ए में पहले 500 थे, इसका 100 ml हमने किसमें डाल दिया था बी में, तो ए के पास जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा भाई 400, फिर बी का हमने किसमें डाल दिया था सी में, तो बी के पास तो 500 रह जाएगा, सी के पास कितना चला जाएगा 600, और फिर सी का 100 ml और ए का जो कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी कितना था 10%, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 और 40 ओवर 1 और 4 5 यानी 70/5 यानी जो कंसंट्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 14%। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, और मेरे ख्याल से अगर आपकी समझ अच्छी होगी तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 types of tea A and B are mixed and then sold at ₹40 per kg, यानी 2 type के चाय हैं और इनको किस रेट में बेचा जा रहा है भाई 40 रुपए per kg, द प्रॉफिट इज 10%, प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई 10% का हो रहा है। इफ A एंड B आर मिक्स इन द रेशियो 3:2, यानी A और B को अगर मैं 3:2 में करूं तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर।
एंड 5% इफ दिस रेशियो इज 2:3। यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 40 ही कह रहा है, ए और बी है, इनको हमने कुछ अनुपात में मिला दिया, और अगर मैं 40 रुपये बेच रहा हूँ तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और कह रहा है अगर मैं रेशियो को चेंज करता हूँ, जैसे पहले मैंने किया था 3:2, तो मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, और अगर मैंने 2:3 कर दिया तो मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? तो मेरे से ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द प्राइस ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो। तो मैंने ए का प्राइस ए मान लिया और बी का प्राइस बी मान लिया। क्लियर? ए का प्राइस क्या मान लिया भाई? ए, और बी का प्राइस बी। तो पहले कंडीशन में 3A + 2B, ये बात आप सब लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है भाई। ए का प्राइस ₹1 per kg है और तीन क्वांटिटी यूज हो रही है, तो टोटल प्राइस 3ACP और बी का 2B। अब इसको 40 में बेचा जा रहा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 110/100 की वैल्यू क्या होगी? 40। क्लियर? अगर इनके रेशियो को इंटरचेंज किया जाए, यानी 2A + 3B, तो इसमें मुझे 5% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी आप ध्यान से देखिए, तो दोनों केस में जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, तो मैं इसको डायरेक्ट इक्वेट कर सकता हूं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्लियर? इससे फायदा क्या हो गया कि 100 से 100 की वैल्यू कैंसल, 5 से ये आ गया 22 और 5 से आ गया ये 21। 22 × 3 = 66 और 21 × 2 = 42। 66 में से 42 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 24A। 21 × 3 = 63, 21 × 63 = 63, और 22 × 2 = 44। जब 44 उधर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा भाई? 19B। तो A by B, जो कि A और B का प्राइस था, वो क्या आ जाएगा? 19/24। तो द रेशियो विल बी 19:24। तो ये भी काफी बेहतरीन सा क्वेश्चन था, 2018 में पूछा गया था। मैंने पहले बताया कि मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल उठाते हैं। करा मिक्सचर पी इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी फ्रॉम ए कॉफी जार एंड रिप्लेसिंग द सेम अमाउंट विथ कोका पाउडर। द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव फ्रॉम द मिक्सचर पी एंड रिप्लेस विथ सेम अमाउंट ऑफ कोका पाउडर टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर क्यू। इफ द रेशियो ऑफ कॉफी एंड कोका इन द मिक्सचर क्यू इज 16:9, देन द रेशियो ऑफ कोका इन मिक्सचर पी एंड मिक्सचर क्यू इज। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़ के थोड़ा सा डर लगेगा लेकिन डरना नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, जब तक समझ में ना आए आप दो बार तीन बार पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए कि मिक्सचर में, रेशियो में, एवरेज में, एलिगेशन में क्या कभी ऐसा कोई क्वेश्चन टकराया था। क्वेश्चन को मैंने बताना है कि आप क्या कहता है, वो लैंग्वेज को डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं किया जा सकता। पैटर्न फिक्स हैं, लिमिटेड टाइप्स हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो कह रहा है एक मिक्सचर पी है, इज फॉर्म बाय रिमूविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी। यानी इसमें क्या था? पूरा का पूरा कॉफी था, और इससे हमने कॉफी को क्या किया है, देखिए कह रहा है मिक्सचर पी इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी फ्रॉम ए कॉफी जार एंड रिप्लेस द सेम अमाउंट इज कोका पाउडर। और इसमें मैंने जितना कॉफी को निकाला उतना ही मैंने क्या ऐड किया भाई? कोका, जो भी हो, कोका कोका जो भी, इस पाउडर को हमने क्या किया? ऐड किया। क्लियर? यानी पी जो है वो पहले पूरा का पूरा क्या था? कॉफी था। उसमें से जितना आपने कॉफी निकाला उतना ही कोका पाउडर ऐड कर दिया, यानी रिप्लेसमेंट टाइप का कुछ हो रहा है। आगे क्या कह रहा है? द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव, यानी इसी में से फिर से मैंने सेम निकाला, तो अब आपको पता है कि ये मिक्सचर बन गया होगा। ठीक है, क्योंकि दो चीजों को जब हम मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये मिक्सचर बन जाएगा।
ठीक है, और फिर से हमने इसमें क्या कर दिया, कोका ऐड कर दिया, ठीक है, सेम रिमूव फ्रॉम मिक्सचर पी एंड रिप्लेस विद सेम अमाउंट ऑफ कोका पाउडर टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर क्यू, यानी ये जो नया वाला बन रहा है ना इसको ये क्या बोल रहा है, क्यू बोल रहा है, क्लियर, ये जो नया वाला बना इसका नाम इसने क्या रख दिया, क्यू रख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, तो इस तरह के आपने बड़े सारे क्वेश्चन किए होंगे कि किसी कंटेनर से मिल्क निकाला गया, या कोई मिल्क मैन है वो एक कंटेनर से मिल्क निकालता है और उसकी जगह वाटर ऐड करते जाता है, ऐड करते जाता है, फाइनली ये रेशियो हो गया, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो फाइनल क्वांटिटी होता है वो क्या होता है भाई, इनिशियल क्वांटिटी 1 - x/c to the power t, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला होता है, इसकी जरूरत भी नहीं है अगर आपकी समझ ठीक ठाक है तो, बाकी मैक्सिमम बच्चों ने पढ़ा होगा इसलिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 - x/c to the power t, जहां x क्या होता है रिमूवल क्वांटिटी, c क्या होता है कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर या मिक्सचर इन द कंटेनर एट इनिशियल लेवल, टी जो होता है वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस रिपीट, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि फाइनली जो है कॉफी एंड कोका इन द मिक्सचर 16:9, यानी क्यू में जो कॉफी है और जो कोका है वो क्या है 16:9 है बस। अब क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक करना चाहिए कि पूरे देखिए पी और क्यू की क्वांटिटी में तो कोई फर्क पड़ा नहीं भाई, ये बात समझ में आ रही है, पी और क्यू की क्वांटिटी में तो कोई फर्क है नहीं क्योंकि मैं जितना निकाल रहा हूं उतना ही क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है तो रिप्लेसमेंट में इनिशियल स्ट्रेंथ और फाइनल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है टोटल वॉल्यूम पे, लेकिन शुरू में कॉफी था तो बाद में कॉफी कम होते गया, तो जो मेरा फाइनल मिक्सचर है वो कितना है 25, तो जो मेरा इनिशियल मिक्सचर रहा होगा वो भी कितना रहा होगा 25, फाइनल क्वांटिटी, तो ऑब्वियस सी बात है शुरुआत किससे हुई है कॉफी से, तो क्वेश्चन सॉल्व भी किस पे होगा कॉफी पे, तो जो फाइनल कॉफी है वो कितना है 16, मन करे तो वेरिएबल लगाइए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनिशियल कितना 25, जो भी वेरिएबल लगाएंगे वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 1 - कितना निकाला गया हमें नहीं पता, 22 सी, और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है 2 बार आपके सामने दिख रहा होगा, 4 मत गिन लेना भाई, 4/5 = 1 - x/c, इसी को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो x/c = आ गया 1/5, जहां पे c जो है वो क्या है कैपेसिटी है और 1 क्या है x क्या है रिमूवेबल क्वांटिटी। अब बताइए ये जो कंटेनर था उसकी कैपेसिटी यानी पूरा का पूरा जो कॉफी था वो कितना था 25 था, यहाँ पे पूरा का पूरा कॉफी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 5/25, यानी शुरू में जो मैं रिप्लेसमेंट के बाद की बात करूं पहले तो टोटल कितना था आपका कॉफी 25, उसमें से निकाला कितना गया 5, तो आप बताइए ये जो निकला होगा वो 5 यूनिट निकला होगा क्योंकि x क्या है रिमूवल क्वांटिटी, तो ये अगर 5 यूनिट निकला होगा तो ऑब्वियस ये बात है 5 यूनिट क्या आया होगा कोका, पूछा क्या गया है रेशियो ऑफ कोका इन मिक्सचर पी, तो मिक्सचर पी में मेरे पास कोका कितना है 5, टू दैट इन मिक्सचर क्यू, मिक्सचर क्यू में कितना है 9, यानी आंसर क्या हो गया 5:9, तो ये वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन में आप उलझ के रह जाएंगे, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, करा 3 men आर गैम्बलिंग इन अ कैसीनो रॉयल, दे स्टार्ट विद द सम्स ऑफ मनी 765 एंड फिनिश विद द सम्स ऑफ द मनी इन द रेशियो इतना इन द सेम ऑर्डर एज बिफोर, यानी 3 बंदे हैं भाई कैसीनो गए हैं, बना लेते हैं बंदे ए बी सी, करें इनके पास इनिशियल जो वैल्यू थी वो क्या थी 7, 6 और 5 थी, फिनिश विद द सम ऑफ द मनी इन द, और जब फाइनल हुआ तो 6, 5, 3 थी, करें इन द सेम ऑर्डर एज बिफोर, यहां पे एक मिस्टेक है ठीक है, अभी क्वेश्चन को मैंने पढ़ा था सही कर लीजिएगा,
ये 3 9 के एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है आपका 4 है, ठीक है। बाकी आप 3 पे सॉल्व करेंगे तो बस आंसर मैच नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सही होंगी, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये 4 है, यहां पे भी आपका हो जाएगा 4, ठीक है, क्लियर। यानी इनकी शुरुआती पैसे ये थे और जब आपस में इनका गेम खत्म हुआ तो ये हो गए पैसे। करा वन ऑफ देम ऑन $12, द हाउ मेनी डॉलर्स डिड दे स्टार्ट विद, कितने डॉलर्स इन्होंने स्टार्ट किया था, हाउ मेनी डॉलर्स डिड ही स्टार्ट, यानी जिस बंदे ने जीता है उसकी बात कर रहा है। द थ्री मैन गैम्बल्ड अमंगस्ट ईच अदर ओनली, देखिए अब क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं है, कह रहा है कि ये तीनों आपस में ही खेल रहे हैं, तो आप बताइए जब हम 3 लोग किसी गेम को खेलेंगे तो इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा सबका कंबाइन। इंडिविजुअल तो हार जीत लगी रहेगी, लेकिन जब तीनों आपस में खेलेंगे तो एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, तो एक का पैसा किसके पास जाएगा, दूसरे का किसके पास जाएगा, तीसरे का, यानी इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये एक छोटी सी बात थी। 7 6 13 5 18, 6 5 11 4 15, क्या करेंगे 5 से और 6 से मल्टीप्लाई, बस कर दीजिए कहानी खत्म। 5 से करेंगे कितना आ जाएगा ये 35 30 25, 6 से करेंगे 36 30 24। तो आप ध्यान से देखिए, ये तो बेचारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, ये क्या हो रहा है हार रहा है और ये थोड़ा बहुत जीत रहा है, क्लियर। बस यही तो हुआ क्वेश्चन, कितना यूनिट जीता भाई 1 यूनिट, इस 1 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितना $12। हाउ मेनी डॉलर्स डिड ही स्टार्ट विद, कितने डॉलर से स्टार्ट किया था भाई 35 से, 35 × 12, 12 25 60 36, $420 उसके पास इनिशियली था, तो एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला लेते हैं क्वेश्चन, करा देयर आर 2 कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप एंड सेकेंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क, हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकेंड कंटेनर एंड देन द हाफ ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर बैक टू द फर्स्ट कंटेनर, नेक्स्ट हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर ट्रांसफर बैक टू द सेकेंड कंटेनर, देन द रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क इन द सेकेंड कंटेनर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इधर से उधर करता है, इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, फिर इधर से उधर कर दिया, फिर इधर से उधर कर दिया, तो आपको इधर उधर नहीं होना है। कैसे करना है भाई, देखिए ध्यान से, 3 4 बार ये प्रोसेस हो रहा है, हाफ 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 बार बार कह रहा है, तो अगर 2 बार भी 4 4 आता है तो कहीं ना कहीं 16 होगा। तो मैं मान लेता हूं कि शुरू में जो ये मिक्सचर थे, जैसे कह रहा है देर आर 2 कंटेनर्स, एक कंटेनर मैंने ए ले लिया और एक कंटेनर मैंने बी ले लिया, फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर, यानी इस कंटेनर में जो भी इसकी कैपेसिटी होगी उसमें शुगर, एंड द सेकेंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क, जो सेकेंड कंटेनर है और दोनों की कैपेसिटी क्या है सेम है, इसमें क्या है आपका मिल्क है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जब इधर से उधर करेंगे तो इसमें भी शुगर मिल्क तो दोनों मैं बना लेता हूं पहले हैं, और इसमें भी शुगर मिल्क, मैं इनकी क्वांटिटी ले लेता हूं 64, कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो 2 से 3 4 बार कटने वाली, 32 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, 64 ले लीजिए, मैंने 64 लिया, पता नहीं कितने स्टेप चलेगा, यहां पे भी मैंने ले लिया 64। कह रहा है पहले शुरू शुरू में ये जो था द फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप, यानी इसमें 32 लीटर क्या था शुगर था, और इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 0 होगी, और इसमें 32 लीटर क्या था भाई मिल्क था, और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट, यानी ये पहली लाइन है, इसका आधा मैंने इधर ट्रांसफर किया तो ये बेचारा हो जाएगा 16 और 0, और इधर हो जाएगा 16 और ये ऑलरेडी 32, यानी ये लाइन खत्म। देन द हाफ ऑफ दिस मिक्सचर, यानी अब इसकी बात कर रहा है इधर से इधर, तो आप बताइए इसका आधा जब आप ट्रांसफर करेंगे तो दोनों चीजें आधी आधी जाएंगी, तो जो शुगर आएगा वो कितना आएगा 8, और जो मिल्क आएगा वो कितना आएगा 16, तो 8 चला गया तो बचा कितना 8 और ये कितना 16, तो इधर जो फाइनल वैल्यू हुई वो कितनी हो गई 24 और 16, और इधर तो फाइनल वैल्यू यही हो जाएगी, इसको भेजे तो ये 8 और ये 16, यानी हमने वो भी भेज दिया। आप क्या कह रहा है, ट्रांसफर बैक टू फर्स्ट कंटेनर, यहां तक
नेक्स्ट हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर ट्रांसफर बैक टू द सेकेंड कंटेनर, फिर यहां से हाफ ट्रांसफर हो रहा है, तो जब आप यहां से हाफ ट्रांसफर करेंगे तो इसका हाफ यानी 12 चला गया और 8 चला गया, तो 12 शुगर जाएगा और 8 मिल्क जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 12, इधर क्या हो जाएगा 8, इधर क्या हो जाएगा 20 और इधर क्या हो जाएगा 24, क्या पूछा हुआ है सेकंड का। देन द रेशियो ऑफ शुगर सिरप एंड मिल्क सेकंड कंटेनर कितना हो गया भाई 5:6, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको स्टेप पढ़ना था और स्टेप वाइज क्वेश्चन को कर देना था, यहाँ पे 64 की जगह 32 भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, करा थ्री फ्रेंड्स रिटर्निंग फ्रॉम अ मूवी स्टॉप इट टू ईट एट अ रेस्टोरेंट आफ्टर डिनर डे पेड देयर बिल एंड नोटिस अ बाउल ऑफ मिंट्स एट द फ्रंट काउंटर, सीता टुक 1/3 ऑफ द मिंट्स बट रिटर्न 4 बिकॉज सी हैड अ मोमेंट्री पैंग ऑफ गिल्ट, फातिमा द टुक 1/4 ऑफ व्हाट ही वाई लेफ्ट बट रिटर्न 3 फॉर द सिमिलर रीजन, ईश्वरी देन टुक हाफ ऑफ द रिमाइंडर बट 3/2 बैक इन टू द बाउल हैड ओनली 17 मिनट्स लेफ्ट देन वेन द रेड वॉज ओवर हाउ मेनी मिनट्स वर ओरिजिनली इन द बाउल। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये भी क्वेश्चन एकदम बेसिक का है, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे काम चल जाएगा। दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, एक हो सकता है जैसे ये दे दिया है नन ऑफ दीज, तो एक तरीका है कि आप क्या कर लीजिए बाई ऑप्शन शुरू कर लीजिए, बाई ऑप्शन मैं ऐसे ही बता दूं, कह रहा है पहले वाले बंदी ने कितना उठा लिया भाई 1/3, आप बताइए 138 का 1/3 हो नहीं सकता, 31 का 1/3 हो नहीं सकता, 41 का 1/3 हो नहीं सकता, तो सीधे सीधे जो आंसर होगा वो क्या होगा नन ऑफ डीज हो जाएगा, क्लियर। समझ में आ रही बात भाई, वो कह रहा है कि जो भी था उसका 1/3 उठाया, तो 1/3 तो आप इसमें से किसी का कर ही नहीं सकते भाई, 41 का 1/3 हो नहीं सकता, काउंटिंग है ना पॉइंट में तो जाएगा नहीं, इसका भी 1/3 नहीं हो सकता, इसका भी 1/3 नहीं हो सकता, बाकी कैसे करना है उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए इनिशियल लेवल पे कुछ था, इसने इसमें से 1/3 निकाला, ध्यान से समझिए कितना निकाला भाई 1/3, किसने सीता ने, ठीक है, और वापस कितने कर दिए 4, ठीक है, अब जो भी ये क्वांटिटी होगी वो क्या होगी 2/3 + 4, इसमें से फिर किसने निकाला कितना निकाला देखते हैं, फातिमा कितना निकाला भाई, फातिमा ने 1/4, क्लियर, और फिर इसने क्या कर दिया बट रिटर्न 3 फॉर, और फिर इसने क्या किया 3 रिटर्न कर दिया, ठीक है, यानी ये जो भी रहा होगा उसका 3/4 बचा और 3 आ गया। अब अगली बार क्या हो रहा है भाई, ईश्वरी देन टुक हाफ ऑफ द रिमाइंडर, जो है उसका इसने क्या किया भाई हाफ निकाला, कौन है ये ईश्वरी, एंड देन थ्रू 2 बैक इनटू द बाउल, और इसने भी 2 क्या कर दिया बाउल में वापस कर दिया, द बाउल हैड ओनली 17 मिनट्स लेफ्ट, मतलब फाइनली जो वैल्यू है वो कितनी है 17 है, क्लियर, बस इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब ध्यान से देखिए कि जो 2 वापस करने से, अब ये क्वेश्चन नीचे से सॉल्व होगा, ऊपर से सॉल्व करेंगे तो आपको वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, फिर जब वेरिएबल लेट करेंगे तो बड़ी सारी चीजें आएगी, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है, अगर मैंने मान लिया कि इनिशियल लेवल पे कितना था एक्स था, देखिए तो इसने 1/3 निकाल लिया तो बचा कितना भाई 2/3x, और फिर इसने 4 वापस कर दिया यानी ये वैल्यू हो गई, फिर अगली बंदी आई कितना निकाला इसने सॉरी 1/4, तो बचा कितना भाई 3/4, और फिर इसने क्या कर दिया 3 वापस कर दिया, क्लियर, फिर अगली आई इसने हाफ निकाल लिया तो बचा कितना हाफ, और फिर इसने क्या कर दिया 2 वापस कर दिया, फाइनल जो वैल्यू है वो क्या है 17 है। तो आप ऐसे वेरिएबल बेस भी इस क्वेश्चन को लेके जा सकते थे, क्लियर। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये वैल्यू 2 इधर जाएगी तो माइनस यानी कितना हो जाएगा 15, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कितना हो गया
30, फिर ये 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 27, 27 को 3 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, एक एक स्टेप लिख लीजिएगा। फिर ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो गया 32, 32 को 2 से कट करूंगा क्या आएगा 16, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 48, यानी इनिशियल लेवल पे जो नंबर ऑफ इंट थे वो आपके क्या थे 48। क्लियर है, ये बेसिक सा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो गया जब हमने स्टार्टिंग से किया, आप चाहे तो नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि बाई ऑप्शन करिए, बाई ऑप्शन एक लाइन में होना है क्योंकि यही आंसर होना, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहां से करेंगे, देखिए अगर मैं बॉटम लेवल से सॉल्व करता हूं तो कैसे करूंगा, स्टेप यही है बस इसका उल्टा चलेगा। फाइनल जो है वो 17 है, उसमें से तो 2 ये था और हाफ इसने निकाला था तो कितना था आपका 15। अब देखिए यहां से जब आप ऊपर जाएंगे तो इसके हाफ निकालने के बाद तो कितना बचा रहा 15, यानी इसने निकाला भी कितना रहा होगा 15, यानी यहां से वापस कितना आया होगा 30। ये 30 कब है, जब इसने 3 ऐड किया तो शुरू में कितना रहा होगा 27। क्लियर, अब देखिए 27 ये क्या है, 1/4 निकालने के बाद, यानी एक हिस्सा निकल गया और तीन हिस्सा रह गया, एक हिस्सा निकल गया तीन हिस्सा रह गया, तीन की वैल्यू 27, यानी शुरू से कितना रहा होगा आपका 36। 36 कब रहा होगा, जब इसने 4 ऐड किया होगा, यानी शुरू में कितना रहा होगा 32। 32 कब रहा होगा, जब एक यूनिट निकाल लिया होगा, तो बचा कितना 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 32, तो एक यूनिट की वैल्यू 16, तो 3 यूनिट की वैल्यू 48। तो मन करे तो रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करिए, मन करे तो ऐसे लिख के सॉल्व करिए, और थोड़ा बहुत दिमाग खर्च कर सकते हैं तो बाई ऑप्शन बिना टाइम लिए हुए करिए। क्लियर, तो ये एक आपका सेशन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।